अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अभी निकला था, मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था, लेट हो गया था काफ़ी, तो ये सदर सदाम साहब को कॉल की कि जल्दी से बाइक लेके आओ और मेन रोड पे जो है वो गाड़ी वाला इंतज़ार कर रहा है और मैंने जाना है। और अभी शाकर साहब मिले तो कहते हैं ये कि आज यूट्यूब का क्लिप नहीं बनाना, तो मैंने इनके लिए जो है ना ये क्लिप बनाना स्टार्ट किया। तो बाकी जो है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को जो है वो इंटरटेन करते हैं और बताते जाते हैं। गाइस, लो जी मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा और इस वक्त मेरे साथ मेरे बड़े कहते हैं मेरे साथ हमीदुल्ला भट्टी साहब जनाब, तर्जमान ज़ोरला यौस, और हम लोग जनाब लाहौर की तरफ रवा दवा है। और ये अभी हम सियालकोट मोटरवे से जो है वो लाहौर पहुंचे हैं, तो साथ साथ आपको जनाब इंटरटेन भी करता हूं मैं अल्लाह के फजल से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, तो अभी मैं इस वक्त मौजूद था जो प्रवेजलाई हाउस में, तो अभी मुलाकात हुई आपके सामने एमएलए साहब जो है हमारे हुसैन लाई साहब के साथ, और ये पीछे हमारे कायदे जमहूरियत शहीद जमहूरियत चौधरी ज़ोरलाई साहब की तस्वीर लगी है, तो मैंने कहा आप सबको भी विज़िट करवाते चलते हैं। ये जी पंजाब हाउस है और आज यहाँ पर एक इजलास है, तो वो अटेंड करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, की हाल चाल है तुहाडा? सारिआं दा ठीक ठाक हो, भैणां ते भराओ? अज मैं तुहाडे वास्ते लै के आया बड़ा दिलचस्प ते बड़ा मुनफरिद अंदाज। मैं कहा इजाजत ले लईए ना सर, गुजरात अपने प्यारे हम कलाम होने बुजुर्ग मिल गया पाकिस्तान, वीर है बुजुर्ग है वो बाबा जानी के नाम सुनते हैं, वह कहते भी सारिया झोलियां भरदा, मैं 20 साल तो इतने बह रहा। सो ये जी पंजाब हाउस, पंजाब के शहर लाहौर के जनाब घर है, पंजाब
ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਸਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ ਮੱਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋੜਾ ਦੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦਾਲ ਉਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਗ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਨਾ ਬਣਾਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਚ